भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप के करीब 40,000 उपभोक्ताओं को नवंबर से बड़ी बिजली दर का भुगतान करना होगा। टैरिफ में 3 से 5% तक की बढ़ोतरी की गई है। फॉर्मूले के बदले जाने से बिजली टैरिफ में 30% तक की वृद्धि हुई है। इसकी वजह से नवंबर महीने से उपभोक्ताओं पर 20 से 30% तक आर्थिक बोझ पड़ेगा। भिलाई इस्पात संयंत्र ने कल से बिल को ऑनलाइन अपलोड करना भी शुरू कर दिया है। इसके बाद टाउनशिप के रहवासियों की चिंता बढ़ गई है। बीएसपी टाउनशिप में 5 साल बाद बिजली टैरिफ में की गई है। इस दौरान बीएसपी प्रबंधन की ओर से प्रत्येक वर्ष नया बिजली टैरिफ प्लान विद्युत नियामक आयोग को भेजा जाता रहा है, लेकिन किसी न किसी कारण से प्लान को आयोग की मंजूरी नहीं मिल पा रही है। इस बार भी बीएसपी प्रबंधन ने बिजली टैरिफ बढ़ने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे आयोग की मंजूरी मिलने के बाद सितंबर महीने से लागू करना है। उस महीने के बिजली खपत की जानकारी अक्टूबर तक जमा हो पाती है, वहीं उसका बिजली नवंबर महीने में जारी किया जा रहा है। सितंबर में हुई खपत की बिजली का बिल नए टैरिफ के हिसाब से उस महीने भुगतान करना होगा। टाउनशिप रहने वाले या रहवासियों का कहना है कि टाउनशिप वासियों को दुर्भाग्य है कि जहां राज्य सरकार ने बिजली बिल आधा किया है, तो वहीं बीएसपी प्रबंधन ने बिजली बिल दोगुना कर दिया है। राजनीतिक प्रयास होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। इसके लिए जहां तक की संघर्ष करना पड़ेगा करेंगे। ۲۰۰۳ के इलेक्ट्रिकल एक्ट आने के बाद बिजली के मामले में बिजली का दर निर्धारण का अधिकार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग को है। भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जिसके पास बिजली प्रदाय करने का लाइसेंस है, उसने बिजली बिल बढ़ाने को लेकर एक याचिका प्रस्तुत किया था छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में। उस याचिका के मामले में हम लोगों ने भी बिजली बिल न बढ़े और निश्चित रूप से इस प्रकार से बिजली बिल में बढ़ोतरी करना आम जनता पे जो है इस्पात संयंत्र के परिधि में जो लोग आते हैं उन्हें बहुत परेशानी होगी, और निश्चित रूप से राज्य शासन की तरह इनको भी बिल जबकि कम करना चाहिए, बल्कि उल्टा इनको बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं तो मूलभूत समस्याओं के ऊपर जहाँ यहाँ पे विधायक है, सांसद है, इनको प्रमुख रूप से